नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के होमगार्ड के कंपनी कमांडर के जवान ने की पिटाई, घूस मांगने का लगाया आरोप। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने मानगो नगर निगम के सिटी मैनेजर को बनाया, एसडीओ को करना पड़ा हस्तक्षेप। तबरेज हत्याकांड में दोषियों पर फिर से लगा धारा 302, धतकड़ी के ग्रामीणों में रोष व्याप्त। और जमशेदपुर के मानगो मुठभेड़ मामले में एक और अपराधी पवन यादव गिरफ्तार, हथियार बरामद। खबरें विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपुर के गरमनाला में हुए हंगामे की। आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी गरमनाला स्थित होमगार्ड समादेष्टा कार्यालय में उस वक्त हो हंगामा शुरू हो गया जब एक होमगार्ड जवान ने अपने ही कंपनी कमांडर पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। मामले के संबंध में कंपनी कमांडर अरविंद कुमार ने बताया कि गुरुवार को संतोष महतो नामक होमगार्ड जवान उनके कार्यालय में जबरन घुस आया और उनके साथ दुर्व्यवहार कर हाथापाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि संतोष मनमाना पोस्टिंग की मांग कर रहा था, जबकि जून में ही उसे रोस्टर के अनुसार ड्यूटी मिल चुकी है, लेकिन उस वक्त उसने योगदान नहीं दिया। इधर कंपनी कमांडर ने घटना की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दे दी है। वैसे अब गृह रक्षकों को कंप्यूटर से उपलब्ध होने वाली सूची के अनुसार ड्यूटी बांटी जाती है, लेकिन इससे गृह रक्षक संतुष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना से अन्य होमगार्ड जवान भी मर्माहत है और हाथापाई करने वाले जवान पर ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे घटना को अंजाम देकर आरोपी गृह रक्षक वहां से फरार हो गया। हालांकि कमांडेंट ने ऐसे घुसखोरी के आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि होमगार्ड के जवान ने सोच समझकर ऐसा किया है। कार्यालय में हम बैठे हुए थे, अचानक संतोष कुमार, संतोष महतो नाम का जो जवान है, अचानक आया है और अचानक आते साथ हम पर हाथापाई शुरू कर दिया, मारपीट किया। हाँ, क्यों किया? कोई कारण पता नहीं, सिर्फ वो इतना बोला कि हमको ड्यूटी दीजिएगा कि नहीं, जबकि उसका जून में उसका नाम आया हुआ था, लेकिन वो ड्यूटी जॉन नहीं किया। वो बोलता है हमको मनचाहा पोस्ट चाहिए, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। आप क्या बोले, मनचाहा पोस्ट हम नहीं दे सकते? मनचाहा पोस्ट हम कैसे दे पाएंगे, ये तो कंप्यूटर से निकलता है, ऑनलाइन निकलता है, तो आकर के तुरंत हमसे हाथापाई कर दिया बिना कुछ ही किए करके बताया जा सकता। उसका नाम हम कुछ आया हुआ है ड्यूटी? हाँ, जून में उसका नाम आया हुआ था। अच्छा, और इस रोस्टर में उसका नाम नहीं आया है। अच्छा, तो नहीं आया? नहीं। तो आके क्या बनने लगा? वो डायरेक्ट आकर के हाथ छोड़ दिया और डायरेक्ट बोल रहा है कि आप हमको ड्यूटी दीजिएगा कि नहीं, डायरेक्ट हाथापाई पर उतर गया। इधर जमशेदपुर में पानी सप्लाई बंद रहने के कारण प्रभावित बस्ती वासियों ने मानगो नगर निगम के सिटी मैनेजर एस रहमान को 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। एसडीओ और हेडक्वार्टर 1 डीएसपी के पहुंचने के बाद सिटी मैनेजर को मुक्त किया गया। बताया जाता है पिछले एक सप्ताह से मानगो के कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के कारण पानी सप्लाई बंद है। प्रभावित लोगों ने पीएचडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बजाय मानगो नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद निगम के सिटी मैनेजर एस रहमान को बंधक बनाकर उलीडी थाना क्षेत्र ले गया। इसकी सूचना मिलने पर धालबुम एसडीओ चंदन कुमार और हेडक्वार्टर 1 डीएसपी पवन कुमार पहुंचे और सिटी मैनेजर को मुक्त कराए। इधर चंदन कुमार ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा, लोगों द्वारा की गई कार्रवाई गलत है। अभी हम लोग, हमारे साथ एनजीओ साहब हैं कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, कुछ लोग कल रात, ये बिल्कुल गलत बात है। चीज़ों को रखने का एक तरीका होता है, अगर मान लीजिए पीएचडी नहीं सुन रही है, एमएनएसी नहीं सुन रही है, तो उससे ऊपर के ऑफिसर हैं, मेरे ऑफिस आए, हम हमेशा अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे खबर आए कि यहाँ पे घेराव आया, मैं दौड़ करके आया। लोगों को कम से कम सही ढंग से बात रखनी चाहिए समस्या लेकर के, लेकिन खैर जो भी है, अभी हम इस बारे में और ज़्यादा टिप्पणी ना करके लोगों से ही अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। अगर पूरे प्रशासन को वहीं इंगेज करके रखेंगे तो मोटर लगाएगा कौन? तो कम से कम 2 बजे तक का, अगर पीएचडी के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 बजे तक का समय चाहिए, 2 बजे तक का समय दीजिए। इस बीच में अगर पानी की आवश्यकता है तो वहाँ पे हम टैंकर भिजवा रहे हैं। आप अपने सक्षम हो गए कि नहीं? अभी तो सब ठीक है। उधर सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में फिर से धारा 302 लगाए जाने के बाद एक और जहाँ
तब्रेज के परिवार वाले और उसकी पत्नी खुश है। वहीं तब्रेज हत्याकांड के आरोपियों के परिजन तथा धतकड़ी गांव के ग्रामीण काफी क्षुब्ध और मायूस है। इस मामले में फिर से धारा 302 लगाए जाने पर ग्रामीणों से जब हम उनकी प्रतिक्रिया लेने धतकड़ी गांव पहुंचे तो वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। ग्रामीणों ने मीडिया पर भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ साथ आप सभी मीडिया वाले भी उस चोर का ही पक्ष ले रहे हैं, और तो और मुस्लिम संगठन भी एक चोर को शहीद का दर्जा देकर लाखों रुपए उसके परिवार को दिया। तब्रेज जिस घर में चोरी के नियत से घुसा था उसकी छत से कूदने के क्रम में गंभीर रूप से घायल हुआ था। मारने से उसकी हड्डी नहीं टूटी है। ग्रामीणों ने रुंधे स्वर में कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरे गाँव के ग्रामवासी डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस के सामने सामूहिक आत्मदाह करेंगे। रात यहाँ पर क्या गाँव जो मतलब जमशेदपुर जो गया था, जमशेदपुर से जो आ रहा था, हम लोग गांव के ग्रामीण लोग तो नहीं जानते हैं और ना ही तब्रेज को जानते थे, ना उसका जो साथ में जो दो जन थे ना उसको जानते थे। ग्रामीण तो धरना दे करके नहीं बैठा था कि तब्रेज कब आएगा और उसको हम लोग बांध करके पीटेंगे। वो तो यहाँ पर आया चोरी करने के लिए आया था, चोरी करने के लिए आया था तब ना उसको पकड़ करके उसको पीटा गया। और जो मतलब एक जन तो पकड़ा गया, तब्रेज तो पकड़ा गया, वो तो मैंने छत से गिरा तो उसको चोट लगा तो वो मतलब छिप गया था, उस कारण से पकड़ा गया। और उसके साथ जो दो जन था, उस दो जन को समुदाय के जो लोग हैं वो लोग तो छुपा करके रखे हैं। और टाटा जब गया था वो किसमें गया था? टाटा जो वो लोग बोल रहे हैं टाटा 1:30-2 बजे आ रहा है, टाटा कोई 1:30-2 बजे आता है बाइक कोई झाड़ी में छुपा के किसी का घर चोर करने के लिए घुसता है कोई, या तो टाटा से आने के सीधा घर जाता हो, रात के 1:30-2 बजे किसी के घर में नहीं घुसता हो, घर में घुसा तब ना पकड़ाया, उसके बाद ही पकड़ाया। 1:30 बजे हम लोग पुलिस प्रशासन को भी फोन किया था, लेकिन 1:30-2 बजे पुलिस प्रशासन बोला कि चोर को मेरे यहाँ सीनियर ओपी बोला मेरे यहाँ लेकर आओ, हमको जाने का रूल नहीं है। सरायकला थाना को जब फोन किया गया, सरायकला थाना बोला मेरे यहाँ लेकर आओ, हमको जाने का रूल नहीं। उधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत बैकुंठ नगर बादशाह मैदान में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक और अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपराधकर्मी सूरज सिंह, सन्नी यादव और राहुल कुमार के एक अन्य साथी पवन यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता मानगो थाना में आयोजित कर डीएसपी हेडक्वार्टर वन ने बताया कि गिरफ्तार हुए दोनों अपराधकर्मियों की निशानदेही पर पवन की गिरफ्तारी हुई है। डीएसपी के अनुसार फरार अपराधी राहुल कुमार ने बिहार के मुंगेर से 5 देसी कट्टा मंगवाया था, जिसमें से 4 की बरामदगी कल ही कर ली गई थी, जबकि एक हथियार आज पवन यादव के घर से बरामद किया गया। फिलहाल तीसरा अपराधकर्मी राहुल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्हें एक पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ था, जिसमें दो अपराधी पकड़ाए थे, सूरज सिंह और सन्नी यादव। उनके कन्फेशन के दौरान ये बात प्रकाश में आई थी कि राहुल सिंह द्वारा 5 हथियार मुंगेर से मंगाया गया था, जिसमें कल 4 हथियार रिकवर हुए थे और एक हथियार कल शाम को मानगो पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास से पवन यादव के यहाँ हथियार बरामद किया गया और उनको विधिवत अरेस्ट करके लाया गया। ये इनके द्वारा अभी प्रकाश में ही छानबीन चल रही है, हथियार इनके पास कैसे है ये अनुसंधान का विषय। प्रथम दृष्टया तो है कि ये लोगों के साथ है मिलीभगत, गोली चलाने में इनका नाम ही प्रकाश में नहीं आया, हथियार इनके पास बरामद हुआ है। और सरायकेला जिले के कांडरा थाना अंतर्गत कांच फैक्ट्री के पास बस्ती में रहने वाले विकास दास की संदेहास्पद स्थिति में टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विकास दास बीती रात अपने एक दोस्त राहुल के बुलावे पर उसी के साथ सरायकेला की ओर जश्न मनाने गया हुआ था, इसी बीच वो छत से नीचे गिर पड़ा। हालांकि मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है और इसका आरोप उसके दोस्त राहुल पर लगाया है। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक विकास दास का आपराधिक इतिहास रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपराध जगत से दूर होकर मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इधर बुधवार रात घायल अवस्था में उसे उसके दोस्त राहुल ने टीएमएच में भर्ती करवाया और मौके से फरार हो गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार विकास को पुलिस ने पिछले ही दिनों एक हत्याकांड में पूछताछ के लिए उठाया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं वो कुछ दिन पूर्व ही जेल से भी छूटा था। घर से लेके गया, राहुल बोल का लड़का है, वो लेके गया,
अब राहुल का साथ में था, राहुल आया तो फिर बोलता है कि वो लेके आया हॉस्पिटल बोलता है, तो किसी तरह PMS लेके आया तो उसको पता थोड़ी चला क्या सर हत्या कर रहे हैं, हत्या किए गए अच्छा ही लगा था लड़का, अच्छा कोई नहीं बोलता उसको, लड़का अच्छा था बस थोड़ा इधर उधर दागी था और क्राइम थोड़ा दुनिया का थोड़ा था ना। हम लोग तो सूचना आज सुबह जैसे सो को उठे तो बोलता भाई कैसा ऐसा हो गया, तो पूछे कैसा हुआ तो बोले अच्छा से गिर के पेपर का काम करते हैं, बोल रहे तो छत से गिरने की वजह से और क्या बोले, हम लोग पहले से प्रयास है सर। साथ ही MGM अस्पताल के ठेका सफाई कर्मियों ने पुराने एजेंसी मालिक के कार्यालय पर ताला जड़ दिया, बकाये बोनस का भुगतान की मांग पर सफाई कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। इधर मामले के संबंध में रवि नामता ने बताया पुरानी एजेंसी श्रीराम इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर राजीव रंजन सिन्हा पर 2017-18 वर्ष के 3 महीने का बोनस बकाया है, PF में भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा जब पुरानी एजेंसी बंद हो गई है तो अस्पताल परिसर स्थित कार्यालय में बैठकर काम करने का क्या तुक है, पुरानी एजेंसी ने अवैध रूप से कार्यालय पर कब्जा जमा रखा है, पुरानी एजेंसी के 3 कर्मियों को कार्यालय से बाहर निकालकर कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। महिला सफाई कर्मी संतोषी ने पुरानी एजेंसी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। हम लोग पूरा का पूरा सफाई कर्मचारी जो है, हम लोग पूर्व ठेकेदार जो 2017-18 यहाँ पर ही एडवांस और श्रीराम इंटरप्राइजेज में काम किया गया, उनका जो प्रोवाइडर जो है राजीव रंजन सिन्हा उसके अंडर में हम लोग काम किए हैं, और उनका पुराना बकाया हम लोग का 4 माह का जो है बोनस के रूप में निकलता है, लेकिन अब तक किसी भी रूप में हम लोग उससे बर्बली बात किए तो नांग नुकुर किया गया। हम लोग मजबूरन उनका जो यहाँ अस्पताल के अंदर जो अवैध तरीके से जो आप ऑफिस है जो कि उसका यहाँ से काम चल गया, तो यहाँ से उसका कोई ऑफिस से अस्पताल को लेने देना नहीं है, लेकिन यहाँ ऑफिस चला रहा है अपना काम निकाल रहा है, उस ऑफिस को हम लोग तालाबंदी का काम करने का काम किया है, ताला मारे हैं कहाँ पर ठिकादार राजीव रंजन क्यों मारे हैं बोनस के लिए, कुछ PF का भी हम लोग गोलमाल है, PF भी नहीं मिला है और ना बोनस मिला अभी तक, और PF पूरा सही किसी ढाला नहीं, किसी का 8 महीना ढाला, किसी 9 महीना भरा ढाला है, खाता 14 महीना से बना हुआ है कि खाता पहले से खाता बनने से ढाला हुआ है कि खाता बाद ढाला हुआ कुछ मालूम नहीं चल रहा वाला, वो कब बताएगा किसी को मालूम नहीं चल रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभू चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभू चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभू चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभू चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभू चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभू चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभू चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभू चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो थाना क्षेत्र के अपराधियों को आर्म्स के साथ गरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SSP ने अपनी ओर से 10,000 रुपए नगद इनाम दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया टीम ने प्रशंसनीय काम किया है, टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने अपनी ओर से 10,000 रुपए टीम को इनाम दिया है और कोल्हान DIG ने टीम को प्रशस्ति पत्र देने का उन्हें आदेश दिया है।
इस मौके पर सिटी SP हेडक्वार्टर 1 DSP और मानगो थाने की टीम मौजूद थी। अपने जो विरोधी गुट है जिसका मेंबर प्रदीप सिंह नाम का एक क्रिमिनल है जो पूर्व में एक गोली चलने वाले केस में फरार है, उसके विरुद्ध में इन लोग एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहते थे और कुछ और इनके विरोधी गुट के जो क्रिमिनल थे उनके विरुद्ध में। तो इन लोगों के पकड़े जाने से हम लोगों का केस का उद्भेदन हुआ है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने जल्दी केस में इनकी गिरफ्तारी की है और टीम में शामिल पदाधिकारी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और एक तरह से अपराधियों को ललकार करके और उनको भागने से दौड़ करके इनको पकड़ा है और उनको 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार अभी तुरंत मेरे द्वारा दिया जा रहा है और लिखित पुरस्कार भी उनको दिया जाएगा और DIG कोल्हान महोदय से भी पुरस्कार की अनुशंसा इन ऑफिसर्स की गई है और उन्होंने कहा है कि इन सारे पदाधिकारी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और मानगो गौण बस्ती की रहने वाली सिफाली कर्मकार अपनी माँ और बहन के साथ इलाज कराने MGM अस्पताल पहुंची। सिफाली को ससुराल में उसके शरीर पर किरोसिन तेल डाल दिया गया। इधर सिफाली कर्मकार ने बताया, 2 साल पहले शंकोसाई के निवासी सीबू कर्मकार के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद पति उसके साथ मारपीट करता था। उस वक्त उसे 2 महीने की बच्ची थी। ससुराल वाले उसे पति के साथ नहीं रहने देना चाहते थे। अभी वो गोड़ बस्ती अपने मायके में रह रही है। सिफाली ने बताया, 2 दिन पहले अपनी बच्ची के दूध के लिए पति से पैसे मांगने ससुराल पहुंची थी। बगल की महिलाओं ने उसे गाली गलौज कर उसके शरीर पर किरोसिन तेल फेंक डाला, जिसकी शिकायत थाना और SP से उसने की है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो माँ और बहन के साथ इलाज कराने MGM अस्पताल पहुंची। मेरे को शादी करके लाया है, कोई भी लोगों का फैमिली आता है तो हमको छुपाता है। मायके कहाँ आपका? गोड़ बस्ती में। गोड़ बस्ती में ससुराल? 1 नंबर रोड में, संतोषाई। हाँ। थाना? उलीडी थाना। उलीडी थाना। क्या हुआ आपके साथ? मेरे को मारपीट लोग किया है गोड़ बस्ती वाला, सास उस सब मिल के, और दूसरा लड़की शादी कराना चाह रहा है। आप हस्बैंड का? हाँ। सास का नाम क्या है? सास का नाम सास का नाम मालूम नहीं है। बस्ती वाला लोग मतलब मारपीट हो रहा था, मारी है मेरे को 4-5 औरत मिल के, उसी टाइम मैं मट्टी तेल उनको फेंक दिया। कौन फेंका मट्टी तेल? एक लेडीज। कौन है वो तो हमको नहीं पता कौन है, लेकिन वही बस्ती की है, वही मारी है। उधर NCC 37 झारखंड बटालियन द्वारा जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में मंगलवार को 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो 28 सितंबर तक जारी रहेगा। आज इस शिविर का उद्घाटन कैंप के कमांडेंट और 37 झारखंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर बर्नल BS पनाग ने किया। इस शिविर में कुल 300 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि शिविर में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें शूटिंग, परेड, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता शामिल है। शिविर का आयोजन NCC के प्रमाण पत्रों A, B एवं C परीक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन समारोह में मौजूद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल BS पनाग ने अपने संबोधन में कहा कि ट्रेनिंग के दौरान कैडेट अनुशासन में रहे, इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो भी रूटीन वर्क मिले उसे पूरा करे, इसके साथ ही माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना सीखे। वैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाले परेड के लिए भी यहाँ प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाना है। के द्वारा जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में NCC कैडेटों के लिए संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय है। आज उसका ओपनिंग एड्रेस इस कैंप के कमांडेंट और 37 झारखंड बटालियन NCC के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल VS पनाग ने किया। उन्होंने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि कैंप के दौरान वो अनुशासन में रहें, से उन्होंने बताया। साथ ही बताया कि RD परेड कंटिजेंट की तैयारी भी आज से इस कॉलेज में होगी और जो 26 जनवरी को दिल्ली में कैडेट मार्च पास्ट करते हैं और RD परेड में शामिल होते हैं, उसका भी प्रारंभिक प्रशिक्षण यहां से प्रारंभ होगा, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया है। उधर जमशेदपुर के कपाली इस्लाम नगर निवासी व टिस्को ठेका कर्मी आसिफ का साइबर अपराधियों ने बैंक और ATM से 80,000 रुपए की निकासी कर ली है। इधर मामले के संबंध में आसिफ ने बताया, 14 सितंबर को SBI बैंक के ATM से पैसे निकालने गया था, ATM कार्ड अंदर फंस गया। रविवार को 20,000 रुपए 2 बार उसके अकाउंट से निकाल लिया गया।
जबकि बैंक से उसके खाते से और 20,000 रुपए निकाला गया। अगले दिन बैंक खाते से दो बार 10,000 रुपए निकाल लिए गए, कुल 80,000 रुपए निकाले गए हैं। उन्होंने कहा साइबर थाना में भी इसकी शिकायत की गई है। एसएसपी से मुलाकात के दौरान एसएसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बैंक वाला क्या बोले? बैंक वाले बोले हैं कि इसमें हम लोग, मेरे साथ समस्या हुआ है कि 14 तारीख को शनिवार है, शाम 7 बजे हम मानगो 2 नंबर रोड के सामने में जो SBI के ATM है वहाँ गए थे पैसा निकालने के लिए। अपना कार्ड जैसे मशीन में डाले तो मशीन में कोई ऑप्शन भी नहीं आया, कार्ड अंदर चला गया। पूरा 15-20 मिनट वेट किए, कार्ड नहीं निकला। वहाँ कोई गार्ड भी उस वक्त नहीं था, तो हम मेरे जहन में यही था कि ये कार्ड मशीन के अंदर गया है, हम जाके मंडे को ID दिखा के ब्रांच से ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ही सैटरडे का कार्ड फंसा है शाम को, संडे को सुबह अकाउंट से 60,000 रुपये विड्रॉल हुआ और मंडे तक में 80,000 रुपये तो निकला। 20,000 करके दो बार अकाउंट में गया है दूसरे लोगों के अकाउंट में अलग अलग, उसका एंट्री पासबुक में है। अच्छा। और उसके बाद तीसरा 20,000 ATM से कैश विड्रॉल हुआ है। साथ ही भीड़ तंत्र का शिकार तबरेज अंसारी मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने सभी 13 आरोपियों पर पूर्व में लगाए गए धारा 304 को बदलते हुए धारा 302 कर दिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि MGM मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच में दिए गए रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें धारा 302 लगाया गया है। उधर इसकी खबर पाकर तबरेज के परिजनों में काफी खुशी है। तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा कि मुझे खुशी है, मगर इसकी CBI जांच होनी चाहिए तथा दोषियों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। उधर तबरेज के चाचा ने भी इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए मीडिया प्रशासन व पुलिस का धन्यवाद किया, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आफिलों के थ्रू से आज इनको पता चला है कि दफा 302 फिर से लग चुका है। ये जान के बहुत खुशी हुई, हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि जरूर फिर से 302 लगेगा और हो गया। और अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमको, मुजरिमों को, उन कातिलों को, उन जालिमों को फांसी की तख्ता तक पहुंचाया जाए और उन लोगों को फांसी की सजा हो, तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और लता मंगेशकर के जन्मदिन के मद्देनजर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संस्था आज की ओर से ऑडिशन लिया गया। सांस्कृतिक संस्था आज के महासचिव BK लाल ने बताया लता मंगेशकर का जन्मदिन 28 सितंबर को है। लता के जन्मदिन के मद्देनजर बुधवार को स्थानीय कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। उसके लिए ऑडिशन स्टार्ट किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बस्ती, कस्बे, गांव से लोगों को सेलेक्ट कर एक बहुत ही सुसज्जित मंच प्रदान करें, ताकि वो आज संस्था जिससे पहले से करती आ रही कि कलाकारों को प्रमोट करना, तो प्रमोशन का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस बार लता जी के जन्मदिवस पर विलक्षण कार्यक्रम होंगे, ये सभी के लिए बहुत। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के होमगार्ड के कंपनी कमांडर की जवान ने की पिटाई, घूस मांगने का लगाया आरोप। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने मानगो नगर निगम के सिटी मैनेजर को बनाया, SDO को करना पड़ा हस्तक्षेप। तबरेज हत्याकांड में दोषियों पर फिर से लगा धारा 302, धतकड़ी के ग्रामीणों में रोष व्याप्त। और जमशेदपुर के मानगो मुठभेड़ मामले में एक और अपराधी पवन यादव गिरफ्तार, हथियार बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।